चौधरी बंसीलाल की विरासत, बुजुर्ग भाइयों की विरासत हमारे आदमी से चलती है, वो उससे नहीं। दोस्तों नमस्कार। आदिकाल से लेकर और वर्तमान युग तक पुरुषवादी सोच के लोग हमेशा से ही नारी शक्ति के आगे बढ़ने को लेकर के विभिन्न प्रकार की तकरार किया करते रहे हैं। आदिकाल से लेकर और वर्तमान के युग तक जब जब भी नारी शक्ति कहीं आगे कदम बढ़ाती है तो खासकर जो पुरुषवादी सोच के मानसिकता वाले लोग हैं उनको उसमें लेकर के कहीं ना कहीं हील हुज्जत होती है। वो कहीं ना कहीं अपना इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप भी करते हैं। दरअसल आज सारी बात का आपसे जिक्र इसलिए कि चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी यानी कि चौधरी बंसीलाल की पौत्री, इन दोनों ने पिछले दिनों कांग्रेस को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो तमाम मीडिया संस्थान में, चाहे वो सोशल मीडिया के हों चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के हों, सभी पर एक खबरें रहेंगी कि चौधरी बंसीलाल की विरासत को संभालने वाली किरण चौधरी और श्रुति चौधरी अब भाजपा में चली गईं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। खुद किरण चौधरी ने भी कहा कि वो चौधरी बंसीलाल की सियासत की वारिस हैं। लगातार 4 बार से वो विधायक हैं तोशाम से, और जिस तोशाम से वो विधायक है वो तोशाम से पहले चौधरी बंसीलाल विधायक हुआ करते थे। चौधरी बंसीलाल की विरासत को संभालते हुए वहां से सुरेंद्र, उनके जो बेटे सुरेंद्र सिंह, वो विधायक हुए। 2005 के चुनाव में सुरेंद्र सिंह वहां से विधायक बने थे, और सुरेंद्र सिंह का विमान हादसे में जब निधन हो गया तो फिर सुरेंद्र सिंह के स्थान पर सुरेंद्र सिंह की पगड़ी बाकायदा पहनाई गई किरण चौधरी को, और किरण चौधरी चुनाव मैदान में उतरी, वो चुनाव जीती। इससे तो बड़ा सिंपल स्पष्ट हो गया कि चौधरी बंसीलाल की विरासत संभाली चौधरी सुरेंद्र सिंह ने, और चौधरी सुरेंद्र सिंह की विरासत संभाली किरण चौधरी ने, और किरण चौधरी ने अपनी बेटी को भी विरासत दी आगे, सांसद बनी भिवानी से, क्योंकि उसी भिवानी से सांसद चौधरी बंसीलाल भी बने थे, उसी भिवानी से सांसद स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह भी बने थे, और उसी भिवानी से सांसद श्रुति चौधरी भी बनी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद केवल एक है, मैं किसी का राजनीतिक महिमा मंडन की बात नहीं कर रहा। मेन बात यह है कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को चौधरी बंसीलाल का वारिस या उनकी विरासत संभालने वाले की बात कहने पर हिसार के सांसद जयप्रकाश कुछ गुस्से में है या कुछ क्षोभ में है, और मैं ये कहूंगा कि ये उनकी पुरुषवादी मानसिकता है, पुरुषवादी सोच है उनकी। ये उचाना में थे, उचाना उनके लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से आजकल दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। उचाना से बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते थे जेपी जयप्रकाश, और उचाना में मतदाताओं का धन्यवाद करने गए थे। वो वहां धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बंसीलाल जी की राजनीतिक विरासत नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि महिलाएं विरासत नहीं संभालती, पुरुष विरासत संभालते हैं। वाह जयप्रकाश जी, पहले आप सुनिए जेपी जी की बात को। चौधरी बंसीलाल की विरासत, बुजुर्ग भाइयों की विरासत हमारे आदमी से चलती है, वो उससे नहीं। चौधरी बंसीलाल का वाइस है तो अनिरूप है, चौधरी बंसीलाल का बेटा है तो रणवीर महेंद्र तो कांग्रेस में है, वही सारे काम थोड़ा करे थे। ये जयप्रकाश है, ये कह रहे हैं कि महिलाएं विरासत नहीं संभालती, पुरुष विरासत संभालते हैं। आखिर कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, कौन से उपनिषद में लिखा हुआ है, कौन सी सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में लिखा हुआ है? अगर केवल पुरुषवादी सोच रखने वाले लोगों को छोड़ दें तो इसका आखिर कहां बखान है? दोस्तों आज सरकारें, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, मैंने पहले कहा कि हम किसी का राजनीतिक महिमा मंडन की बात नहीं कर रहे, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो बेटी बचाओ यानी कि बेटियों का उत्पत्ति ज्यादा हो, बेटियों की भ्रूण हत्या ना हो, इस सब को लेकर तमाम प्रकार के अभियान चले। जो सिंगल गर्ल चाइल्ड्स के पेरेंट्स हैं या डबल गर्ल चाइल्ड्स पेरेंट्स हैं उनको सरकारें सामाजिक उत्थान के तहत पेंशन देती हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती हैं,
अगर आप उसमें चलें तो आज बेटियां रिक्शा से लेकर रेल तक और जहाज से लेकर बस तक चलाती हैं। आज देश की सुरक्षा में सेनाओं में बेटियां जाती हैं। तमाम ऐसा कोई पेशा नहीं है, ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं ना हों। जिस कार्य क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज काम ना कर रही हों, लेकिन जयप्रकाश कह रहे हैं कि विरासत नहीं हो सकती, विरासत नहीं संभाल सकते। अगर सरकारें कह रही हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड या डबल गर्ल चाइल्ड, यानी कि जिस परिवार में केवल एक बेटी थी, एक बेटी हुई, तो बेटी वाले परिवार को सरकारें सामाजिक उत्थान के तहत, सामाजिक सद्भाव के तहत या सामाजिक सौहार्द के तहत या सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाने के लिए उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जिसमें पेंशन भी शामिल है, सिंगल गर्ल्स चाइल्ड के पेरेंट्स को या जिनकी दो बेटियां हैं उनके अभिभावकों को सरकार पेंशन भी देती है। लेकिन यहां चौधरी जयप्रकाश जी की सोच बड़ी अलग है। जयप्रकाश बड़े खुले में माइक पर कह रहे हैं, खुले में कह रहे हैं, बिल्कुल किसी घर की चौपाल या किसी पंचायत पर बैठकर नहीं, किसी बंद कमरे में नहीं कह रहे, खुले में कह रहे हैं कि बेटी तो विरासत संभाल ही नहीं सकती। जयप्रकाश जी, आखिर आप लोग नेता लोग क्यों वोट मांगने जाते हैं फिर बेटियों की? देश की अगर भागीदारी में, सृष्टि की भागीदारी में अगर देखा जाए तो आधी आबादी माना जाता है नारी शक्ति को। आधी आबादी कहा जाता है कि नारी शक्ति की आधी आबादी है। अगर वोट शेयर में भी जाएं तो पुरुषों से लगभग 2-3% का रेशियो फर्क हुआ करता है। आप किसी भी लोकसभा विधानसभा किसी भी गांव का उठा करके देख लें आप, अगर पुरुष संख्या उसके अंदर 55% होगी तो फिर महिलाओं की संख्या 45-48-44-40 इससे ज़्यादा होगी ज़रूर। अगर आप महिलाओं के वोट ले सकते हैं, अगर महिलाएँ सेना में जाकर देश की रक्षा कर सकती हैं, अगर महिलाएँ जहाज उड़ा सकती हैं, अगर बेटियां सरहद पर सुरक्षा कर सकती हैं, अगर बेटियां देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदक और मेडल ला सकती हैं, तो बेटियां फिर विरासत क्यों नहीं संभाल सकती? बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल है दोस्तों। और उस समय खासकर जब हुक्मरान, यानी कि जिन लोगों के प्रति लोग आम जनता का भरोसा होता है, जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोग होते हैं, जो कला क्षेत्र से लोग जुड़े होते हैं, यानी कि जो डिग्निटी होते हैं, वो रोल मॉडल हुआ करते हैं। और रोल मॉडल माना जाता है वो जो बात कहा करते हैं, लोग उसको समझा करते हैं, अंगीकार किया करते हैं। लेकिन अगर सांसद ऐसा कहें कि बेटियां तो विरासत हो ही नहीं सकती, ठीक है अनिरुद्ध चौधरी उनकी पार्टी के नेता हैं, ठीक है किरण चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ दिया, ये आपकी अलग बात तो हो सकती है, लेकिन आप इसको नारी शक्ति और महिला के साथ आखिर क्यों जोड़ सकते हैं? और फिर जो सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स हैं, फिर तो समाज के अंदर भ्रूण हत्या भी होगी, समाज के अंदर बेटे की चाह को लेकर बेटियों के साथ अत्याचार भी बढ़ेंगे। अगर आप जैसे नेता सांसद बनकर लोकसभा में बैठेंगे तो फिर बेटियों के हक के प्रस्ताव तो कम से कम पारित होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकेगी। जाने जेपी जी ने, जयप्रकाश जी ने किस सोच के साथ वो बयान दिया होगा, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि उनका ये बयान समाज के लिए किसी भी प्रकार से सुहार देने वाला नहीं है, और कम से कम सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाला उनका बयान है। आपको क्या लगता है कि क्या बेटियां विरासत नहीं संभाल सकती? आपको क्या लगता है कि जब बेटियां आज के समय में बॉर्डर से लेकर के और आंतरिक क्षेत्र तक, रक्षा से लेकर के और व्यवसाय से जुड़े हर क्षेत्र के अंदर अपनी भूमिका निभा सकती हैं, तो फिर विरासत क्यों नहीं संभाल सकती? कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।